हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सिंगल एलईडी बल्ब को डे लाइट में चेंज करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी जो बाइक्स की टेल लाइट होती है, सॉरी, और जो गाड़ी की टेल लाइट होती है, इनमें डुअल इंटेंसिटी बल्ब होता है जिसमें डबल फिलामेंट्स होते हैं जो एक टेल लाइट के साथ जलते हैं। यानी कि आप आईज ऑन करते हो तो जलता है और जब ब्रेक लाइट मारते हो तो डबल जलता है। तो मतलब उससे जो है ब्रेकिंग की लाइट्स का पता लगता है कि हमें ब्रेक लग चुकी है। तो गाइज हम ट्राई करेंगे इस एलईडी बल्ब में जो सिंगल फिलामेंट है, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको डुअल लाइट में चेंज करूं, जो टेल लाइट का बल्ब बनेगा एलईडी। ये सिंगल आप देख सकते हो, मैंने ईबे से परचेज किया था, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था। तो गाइज इस चीज़ के लिए मैंने ये छोटा सा एक सर्किट बनाया है, आप देख सकते हो। इसमें दो डायोड है और एक रजिस्टर है, ठीक है। तो गाइज इस रजिस्टर में कुछ कलर कोड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये एक मैंने डेमो के लिए एक एलईडी जो है स्ट्रिप ली है जिसमें आपको पता लगेगा, ठीक है गाइज। और मेरे पास एक ये है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है अडाप्टर, 12 वॉट को आप देख सकते हो, एसी 220 से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे 12 वॉट मिलेगी जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ मल्टीमीटर में। ये मल्टीमीटर मैंने 20 वॉट्स पे सेट किया है। और ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ज्वाइन करता हूँ तो आप वहाँ पे रीडिंग पढ़ो कितनी आएगी, 10 से 14, यानी कि 12 वॉट। कई बार रीडिंग ऊपर नीचे भी हो जाती है, चलेगा। ओके गाइज, ये आपकी आ रही है 12 वॉट। तो स्टार्ट करते हैं इस रजिस्टर की कलर कोडिंग के साथ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस रजिस्टर में कलर कोड क्या है करंटली मेरे पास। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट जो कलर है वो है ब्राउन, ओके। सेकंड कलर है इसमें ब्लैक, थर्ड कलर है इसमें रेड एंड फोर्थ वन इज गोल्ड, ओके। तो गाइज इनकी कुछ वैल्यू होती है, अगर आप रजिस्टर की वैल्यू जो चार्ट होता है उसमें पढ़े। तो मैंने इसको रीड किया ऑनलाइन तो मुझे पता लगा कि जो ब्राउन कलर है वो स्टैंड करता है 1K के, ठीक है, ब्लैक फॉर 0 एंड रेड फॉर 00, ओके, एंड गोल्ड फॉर, ये टॉलरेंस के लिए होता है, ओके। ये प्लस माइनस में होता है, ये 5 to 15% होता है, ठीक है। बट इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन दो है, ये गोल्ड वन जो लास्ट में होता है पॉइंट, आप देख सकते हो जो लास्ट में ये गोल्ड सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट है गोल्ड, ओके। तो अगर ये गोल्ड की जगह सिल्वर होता है तो इसकी टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 15 to 10%, ओके। अगर यही गोल्ड आपको व्हाइट में मिलता है तो इसकी टॉलरेंस जीरो होगी, नथिंग, ठीक है। तो गाइज अभी करंटली कितना ओम मुझे यहां से यहां तक मिल रहा है मैं आपको भी बताता हूं। ब्राउन जैसे कि आपने देख लिया था 1K के इक्वल है, तो यहां में मैं 1 टाइप करता हूं, ओनली 1, ओके। सेकंड वन इज ब्लैक, तो मैं करता हूं 0, ओके। तो 10, ओके, प्लस रेड 200, ओके। तो ये 00 मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस जो वैल्यूज को मैं रीड कैसे करूंगा कि कितना ओम बना है मेरा, इसको मैं रीड करूंगा 1000 ओम्स में, ओके। कैसे, जो आपका 1K होता है, 1K इक्वल टू होता है 1000 ओम्स के, ओके। तो इस तरीके से मैंने 1 प्लस 0 प्लस 00 इनको जो है मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आप इसका सम करो, इसको आप जस्ट कंकैटिनेट करोगे। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलूँ, मैं तो एज ए प्रोग्रामर ही हूँ, तो कंकैटिनेट के लिए हम डॉट ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको प्लस कर रहे हो तो वैल्यूज कुछ अलग ही बन जाएगी, आपको पता है टैनी वैल्यूज बनेगी अगर आप इसको प्लस करते हो। तो मैंने इस तरीके से इसको कंकैटिनेट करते हैं, 1 फॉर ब्राउन, 0 फॉर ब्लैक, कंकैटिनेट हो गया, इसके साथ ऐड हो गया रेड फॉर 00। गोल्ड टॉलरेंस के लिए है, प्लस माइनस में 5% चले जाएगा, ठीक है, इसका कोई हमें इतनी नीड नहीं होती। तो आप देख सकते हो कि ये 1000 ओम्स का टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने यूज किए हैं दो डायोड्स, ये देख सकते हो डायोड,
हेड का फंडा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपका रजिस्टर का काम हो चुका है, ठीक है। सेकंड आता है आपका डायोड्स। डायोड्स क्या करते हैं कि वन ही डायरेक्शन में जो है अपना पावर फ्लो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस डायोड में ये सिल्वर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है माइनस, ओके, और ये पॉजिटिव में है। तो ये फ्लो किस टाइप से करता है, इस टाइप से। अगर आप यहाँ पॉजिटिव देते हो तो ये फ्लो करेगा दिस डायरेक्शन, ये रिटर्न फ्लो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से काम कर रहा है। पॉजिटिव आपने यहाँ से दिया और ये नेगेटिव उधर से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर आप इसको माइनस देते हो तो यहाँ से ये आगे फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं रन कर पाएगा, नहीं पावर दे पाएगा आपको, ओके। तो ये डायोड्स का फंडा है। तो गाइज अभी मैंने करंटली इसमें दो डायोड चूज़ किए हैं और एक रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर आपको 10 1000 ओम्स तक का ही चाहिए। आप किसी भी तरीके का रजिस्टर ले सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से बोल सकते हो कि मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वो 10 1000 ओम्स में चाहिए, ठीक है। वो आपको ये रजिस्टर प्रोवाइड करेगा या फिर आपको आइडिया दे देगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि ये जो रजिस्टर मैंने लगाया है किस तरीके से लगाया है, ब्राउन ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ओके। तो जो ये डायोड्स है इसका नंबर क्या है, डायोड्स हमें चाहिए IN 4007। ये मैंने डायोड यूज़ किया है, ये आप एक नंबर है जो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से बोल सकते हो या फिर अपने कोई शॉप से वहाँ से ले सकते हो। IN 4007 इसमें लिखा हुआ है, IN 4007, ठीक है। और अगर आप IN में कन्फ्यूज़ हो, ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कुछ भी लैंग्वेज है इनकी जो इन्होंने इसमें ऐड की हुई है IN के साथ। तो 4007 आपको दो डायोड चाहिए, ठीक है, और एक रजिस्टर चाहिए जो 1000 ओम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टू डायोड्स एंड 1000 ओम, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। या जो ये जो दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम जो हमारी, अगर आपने देखा होगा हमारी टेल लाइट होती है, टेल लाइट में थ्री वायर्स जा रही होती हैं, ठीक है। एक तो नेगेटिव होती है और 2 1 फिर पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों प्रोवाइड करती है बल्ब्स को हमारे। करंटली कईयों में सिर्फ दो होती है, कईयों में तीन होती है, क्योंकि मेरे पास करिश्मा आ रहा है तो मेरी में तो तीन है, ठीक है। तो एक नेगेटिव फर्स्ट वन होती है, नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, सिंपल, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये पॉजिटिव के लिए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स ये वाले डायोड के, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं फॉर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव आउट होगी, यहाँ से पॉजिटिव जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव आउट होगी, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, आप यहाँ भी पॉजिटिव दोगे और यहाँ भी पॉजिटिव दोगे, ओके। यहाँ से जो पॉजिटिव जो कनेक्ट होगी जो वायर, उससे ये पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। कितनी पावर सप्लाई करनी है वो इसके थ्रू जो है प्लस माइनस होके यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी पावर, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको मैं, डायोड्स का सिंपल है। ये जो डायोड है इसका जो माइनस पॉइंट है ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट होना चाहिए, और सेकंड में भी सेम ऐसा है कि नेगेटिव पार्ट होना चाहिए। बट जो राइट वन है इसके साथ आपको रजिस्टर ऐड करना है जो 10 1000 ओम प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो जो इसकी जो नेगेटिव वायर है, ठीक है, पॉजिटिव वायर है जो यहाँ से पावर होके पावर कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन इस फ्लो पे इसको यहाँ पे शोल्डर कर देना है, ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये ओनली फॉर वन बल्ब के लिए है, सिर्फ एक बल्ब के लिए है ये, ठीक है। अगर आपके बाइक में दो बल्ब्स हैं, ठीक है, क्रिज्मा में तो दो ही होते हैं आपको पता है, तो उसके लिए मैंने दो सर्किट बना रखे हैं सेम सेम टाइप में, सेम यूज़ करके दोनों सर्किट सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बल्ब में यूज़ होगा, ओके गाइज। तो यहाँ भी आप पॉजिटिव लगाओगे, यहाँ भी पॉजिटिव लगाओगे, करंट जो है आपको यहाँ पॉजिटिव में मिलेगा, कि जब इसमें पॉजिटिव पावर जाएगी तो ये कन्वर्ट करके बहुत ही कम लाइट प्रोड्यूस करेगा फॉर दिस LED बल्ब, ठीक है, ये बहुत डिम टाइप से चलेगा। लेकिन जब अगेन ब्रेक लाइट जलेगी, ब्रेक लाइट प्रेस होगी, तो इससे पावर सप्लाई होगी सेम टाइम पे, और जो इसका टोटल प्रोड्यूस हो गए, इसको जो है फुल पावर देगा LED बल्ब में, जो उसको डुअल डेंसिटी बल्ब में कन्वर्ट कर देगा वो सिंगल LED बल्ब, ठीक है। तो गैस इसको लगाने का तरीका है, उस जो कॉर्नर है उसमें आप जो है टेल लाइट का वायर सोल्डर करोगे, ठीक है, और जो सिंगल ओनली डायोड वाला पार्ट है, ठीक है, इस पे आप ब्रेक लाइट की वायर सोल्डर करोगे, ठीक है, इस टाइप से। ये पॉजिटिव पता है आपको, एक बल्ब के लिए, तो एक बल्ब के पॉजिटिव में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव आपको
किसी भी आयरन के पार्ट से मिल सकता है, बाइक में से या फिर कार्स में से, जहाँ भी आप इसको यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो मैं आपको एक और अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किस तरीके से सोल्डर किया। जो ये आपका डायोड है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट इसका जो है ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका फर्स्ट पार्ट है डायोड का, जो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, वो ऐड होगा आपके रजिस्टर से। जो गोल्डन वाला पार्ट है वो आपके नीचे ही रहेगा हमेशा से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये गोल्डन वाला पार्ट जो है नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। रेड वन उसके ऊपर, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन टॉप में रहेगा आपके, ठीक है। इस तरीके से लगाना। और ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, सिंपल। जो ये वाला डायोड है इसमें भी आप सेम ऐसे ही करोगे, माइनस पार्ट अप एंड जो ब्लैक पार्ट है वो डाउन, ठीक है, सिंपल। और ये तो पता ही लग गया आपको कि इस वाले में आप लगाओगे टेल लाइट की वायर और इसमें लगाओगे ब्रेक लाइट की। ओके, तो गैस अब टाइम आ गया कि मैं इसको आउटपुट दिखाऊँ आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ों में दिखाऊंगा, जो हमारी ये स्ट्रिप है, सिंगल LED है, नेगेटिव विद नेगेटिव पॉजिटिव वायर। ओके, दिस वन फॉर बल्ब, LED बल्ब। सो अब हम इसे चेक, आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। हम दोनों के साथ दिखाऊंगा, एक सिंगल स्ट्रिप के साथ और बल्ब, LED बल्ब के साथ। तो अब पार्ट को हम ऐड करते हैं। सपोज करो कि ये जो रेड वन है ये आपकी टेल लाइट है, टेल लाइट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है पॉजिटिव पार्ट में डायोड के नीचे से, ठीक है। और ये नेगेटिव, जो इसकी नेगेटिव है, इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस देखना। ओके, अब इस लाइट को देखो, स्ट्रिप को बिल्कुल जो है, अभी आप इसकी जो है लाइट देख सकते हो, काफ़ी डिम है, ओके, टेल लाइट में, ठीक है। अगेन अगर मैं इसमें ब्रेक लाइट की वायर ऐड करता हूँ, सपोज करो जो सेम ये पॉजिटिव वायर थी आपकी, ये आपकी ब्रेक लाइट की वायर है, इसको मैं इस डायोड से कनेक्ट करता हूँ, जो ये छोटे वाला डायोड है, ठीक है, स्मॉल वन। इसमें मैंने पॉजिटिव लगाया ऐसे, तो मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद ये जो नेगेटिव है इसकी स्ट्रिप की लग गई है। अब आप इसकी पावर देखना, ठीक है, ये लाइट बिल्कुल जो है ब्रेक लाइट के साथ ऐड हो गई है, ठीक है गाइस। अब ट्राई करते हैं हम बल्ब में, ठीक है, सेम। सपोज दिस इज योर टेल लाइट वायर, यू हैव टू कनेक्ट हेयर, ओके, एंड दिखा तो आपको, जो ये जो पार्ट है बल्ब में नीचे आप देख सकते हो, ये हमेशा से पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा, इसके मिडिल पार्ट में, और जो नेगेटिव है वो उसके नेगेटिव में। ओके, अब देख सकते हो बिल्कुल डिम लाइट, ये आपकी टेल लाइट की वायर होगी जो बिल्कुल डिम लाइट देगी। अब मैं इसे ब्रेक लाइट पे कन्वर्ट करता हूँ, इस पॉजिटिव वायर को मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा, इस डायोड के साथ, ठीक है। गैस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है पॉजिटिव को। अब मैं इस पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट करता हूँ और नेगेटिव इधर। अब इसमें लाइट में डिफरेंस देखना आप, ओके, ये आपकी ब्रेक लाइट होगी। सिंपल, अगर आप इसे यहाँ कनेक्ट करते हो तो डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर ये ब्रेक लाइट में हुई तो, ठीक है गाइज। और गाइज जो ये सर्किट था सिर्फ LED बल्ब के लिए है, ओके। आप सिंपल जो बल्ब आते हैं स्टॉक में उसमें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो आपको ऐसे डबल इंटेंसिटी तो मिल ही जाएगी उनमें, लेकिन आपको LED बल्ब नहीं मिलेगी। LED ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन वही बात है कि वो 360 या 450 का मिलता है सिंगल बल्ब, वो उसकी कोई लाइफ का पता नहीं। इसमें अच्छा है कि अगर ये फ्यूज़ हो भी जाता है तो आप न्यू ऐड कर सकते हो। तो गाइज यही था, यही कॉन्सेप्ट था आज आज की वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करूँगा, जो मेरी क्रिज्मा आ रहा है। टिल देन गाइज, गुड बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।